गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर टू में आप पढ़ेंगे एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, मतलब एनिमल्स को जो जानवरों को है, जानवरों को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट एनिमल्स मतलब कि जिन जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें वर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं, और इनवर्टिब्रेट जिन जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, जैसे उसमें क्या क्या आएगा आपका, इंसेक्ट्स आएंगे, कीड़े मकोड़े एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और कई छोटे छोटे जानवर आएंगे। 95% ऑफ द एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट, मतलब 95% में से 95% जो होते हैं वो होते हैं इनवर्टिब्रेट, मतलब उसमें उनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुपों में बांटा जाता है, जैसे कि फिश होती है और एम्फीबियंस, उभयचर, उभयचर का मतलब होता है जो प्राणी जमीन पर भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जंतु, बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी जो बच्चों को जन्म देते हैं, नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं। फिश, फिश क्या होती है, फिश ओनली इन वाटर, केवल पानी में ही रहती है। ले सॉफ्ट सेल्ड एग्स, एग्जाम्पल्स शार्क, गोल्ड फिश, सलामन, ये सब क्या फिशेज के नेम है। एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ लैंड एंड, अभी बताया कि उभयचर प्राणी क्या होते हैं जो भूमि पर और जमीन पर दोनों में रहते हैं। ले सॉफ्ट सेल्ड, और उनके एग्स कहते कैसे होते हैं, सॉफ्ट सेल्ड होते हैं, मतलब मुलायम त्वचा के होते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि फ्रॉग, मेढक एंड सलामेंडर। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जंतु, क्रॉल ऑन लैंड, मतलब जो भूमि पर केवल रेंग सकते हैं। ले हार्ड सेल्ड एग्स, उनकी त्वचा कैसी होती है, हार्ड होती है, और उनके एग्स जो होते हैं वो कठोर होते हैं, अंडे कठोर होते हैं, ड्राई स्कैलीज की उनकी त्वचा जो होती है वो उभरी हुई होती है, स्कैली स्किन होती है। एग्जाम्पल्स जैसे कि क्रोकोडाइल्स, स्नेक, मगरमच्छ, सांप, लिजर्ड, छिपकली। उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स हैव फीदर्स, पक्षियों में क्या होते हैं, पंख होते हैं ऑन बॉडी, उनके उनके शरीर को ढकने के लिए उनके ऊपर क्या होते हैं, पंख होते हैं। कैन फ्लाई, जिससे वे उड़ सकते हैं। ले हार्ड सेल्ड एग्स, और उनकी भी बॉडी कैसी होती है, कठोर होती है। एग्जाम्पल्स जैसे कि पिजन, क्रो, स्पैरो, कबूतर, कौवा और गौरैया। मैमल्स क्या होते हैं, अभी बताया, मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जो कि नवजात शिशु को जन्म देते हैं, हैव हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर्स, और उनके ऊपर, उनकी त्वचा के ऊपर बाल होते हैं और बाहर की तरफ कान निकले होते हैं, एक्सटर्नल मीन्स वाय। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैन, आदमी, काऊ, गाय, डॉग, कुत्ता, व्हेल, मछली। इच ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैज स्पेशल वेज ऑफ, और इन सभी ग्रुप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनका एक, उनका लिविंग मतलब उनका रहने का तरीका क्या होता है, एक अलग तरीके का होता है। दे हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, उनकी त्वचा जो होती है ढकी रहती है, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, और उनका अलग अलग तरह का खाना होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, एंड डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और अलग अलग मतलब तरीके, अलग अलग तरीके होते हैं मूविंग, मतलब इधर उधर चलने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अब है आपका बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स अपनी बॉडी को कवर करते हैं, अपनी त्वचा को ढकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स, डिफरेंट एनिमल्स हैं, अलग अलग जानवर हैं जिनकी बॉडी कवरिंग्स हैं, तो जो डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ऑल इंसेक्ट्स हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ टीनी हार्ड स्केल्स, सभी जो ये जो सभी कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बॉडी कवर्ड होती है कुछ छोटे छोटे कठोर इसका धारियों से ढकी रहती है। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जंतु, और रेप्टाइल्स बॉडीज कवर विद ड्राई हार्ड स्केल्स, उनकी जो बॉडी होती है काफ़ी हार्ड रहती है और उनकी बॉडी के ऊपर भी धारियां होती हैं। हॉर्नी स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम दियर बॉडीज, इनकी जो हॉर्नी, इनके ऊपर जो धारियां होती हैं वो उनकी त्वचा पर
पानी को मतलब लॉस करने के लिए, पानी की हानि को रोकने के लिए। हॉर्नी स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज। सम एनिमल्स लाइक, जैसे कि जानवर कौन कौन से हैं, टॉर्टॉइस हैव अ सेल ऑन देयर बॉडी, उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो कवच होता है वो बहुत ही हार्ड रहता है। हार्ड सेल प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल इनसाइड। ये हार्ड सेल जो होता है उसकी उसके शरीर को क्या करता है, कवर करता है, ढकता है। फिश का क्या होता है, मोस्ट फिश हैव ओवरलैपिंग स्केल्स इन रोज ऑन देयर बॉडीज। अधिकतर जो फिशेज होती हैं उनके ऊपर ओवरलैपिंग स्केल्स मतलब काफ़ी गहरे कलर की धारियां होती हैं रोज पंक्तियों में ऑन दियर बॉडीज उनके शरीर पर। दीज स्केल्स ये जो धारियां होती हैं फ्लेक्सिबल मतलब लचीली होती हैं एंड डू नॉट डिस्टर्ब देयर, और उनमें जो मूवमेंट होता है उनको रोक नहीं सकता, मतलब वो इधर से उधर स्विम नहीं कर सकती हैं। बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विथ फीदर्स। बर्ड्स पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है, पंखों से ढका रहता है। द डाउन फीदर्स क्लोज टू द बॉडी कीप इट वार्म। जो डाउन फीदर्स जो नीचे के पंख होते हैं उनकी बॉडी के जो नीचे के पंख होते हैं वो काफ़ी कैसे होते हैं, गर्म, उनको उनकी त्वचा को गर्म बनाए रखते हैं। कॉन्टेल फीदर्स कवर द बॉडी, और जो ऊपर के पंख होते हैं वो उसके पूरे शरीर को ढकते हैं। फीदर्स ऑफ द टेल, फीदर्स ऑफ द टेल का मतलब हुआ जो पूंछ की, जो उसकी पूंछ होती है मतलब पक्षियों की जो पूंछ होती है, एंड विंग्स आर लार्ज एंड हैव द इस पूंछ की सहायता से वो क्या करती है, फ्लाई करते हैं पक्षी। हैव द बर्ड टू फ्लाई मतलब पक्षी उसकी सहायता से उड़ सकते हैं। मैमल्स स्तनधारी जंतु क्या होते हैं, अ मैमल्स बॉडी इज कवर्ड विद हेयर। मैमल्स स्तनधारी जंतुओं में क्या होता है, उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, पर मुलायम बाल, वूल और ब्रिस्टल्स मतलब कुछ ऊन रेसे जो होते हैं। दीज बॉडी ये बॉडी को कवर करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, मतलब कोल्ड मतलब ठंडी जलवायु में एनिमल्स में के ऊपर जो शरीर के ऊपर बाल होते हैं इससे उसका शरीर गर्म बना रहता है। एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, और उनको बरसात से उनको बचाते हैं, बरसात से उन्हें सुरक्षित रखते हैं। अब आपका मूवमेंट इन एनिमल्स मतलब जानवर किस तरह से मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ, एनिमल्स मूव क्यों करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड मतलब भोजन की तलाश में ये इधर से उधर भटकते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं। एंड टू एस्केप देयर एनिमीज, और वो शत्रुओं से अपने को बचाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, ऑब्जर्व द एनिमल्स, ये जैसे कि रैबिट है, बटरफ्लाई है, स्क्वायरल है, स्नेक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान अपने क्या करने के लिए जाते हैं, सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में। Do all animals in the pictures move the same way? इस तरह से जो pictures में दिखाया गया है सभी जानवर हैं ये move करते हैं same way में, एक ही तरीके से। Animals live in land, water and air, move in different। Animals जो होते हैं वो land मतलब जमीन पर, पानी में और हवा में अलग अलग तरीके से movement करते हैं, अलग अलग तरीके से गति करते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट के बारे में बताया गया, इंसेक्ट कैसे मूव करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें 6 legs होते हैं मतलब उनके 6 पैर होते हैं, टू मूव उसकी सहायता से वो आगे की ओर बढ़ते, क्रॉल रेंगते हैं, हॉप और वॉक और आगे की ओर टहलते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास, इंसेक्ट्स में क्या आएगा, जैसे कि ग्रास ऊपर टेड्डा हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड लेग्स, उसके पैर कैसे होते हैं, हार्ड रहते हैं, उसकी त्वचा जो होती है हार्ड रहती है। टू हॉप अबाउट, बीटल्स एंड बीटल्स एक इंसेक्ट्स का नेम है, एंड आंट और चींटियां जो होती है क्रॉल करती है अपने 6 पैरों की सहायता, जो अपने पैर उसके 6 legs होते हैं उनके अपने पैरों की सहायता से क्रॉल करती हैं, रेंगती हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कि बटरफ्लाई, तितली है, मधुमक्खी है, मच्छर है, ड्रैगन फ्लाई है, इनमें क्या होता है, इनके शरीर में स्पेस होता है, स्पेस फिल्ड विद एयर, इनके शरीर में स्पेस फिल होता है, एयर फिल होता है। एंड दे आल्सो ए पेयर ऑफ विंग्स, इसकी सहायता से वो आगे की ओर उड़ सकते हैं। फिशेस भी क्या बताया गया, मोस्ट फिश हैव 2 sets of paired fins,
अधिकतर फिशेस में क्या होता है, टू फिन्स होते हैं, पेयर मतलब जो जोड़ी फिन्स होते हैं, पंख होते हैं। वन पेयर इन द फ्रंट, एक पेयर जो होता है वो सामने होता है और एक पेयर पीछे होता है। तो इसका एक जो जोड़ा होता है वो फ्रंट मतलब सामने होता है और एक पेयर जो होता है मूव ऑन द बैक पीछे होता है, जिसकी सहायता से वो पानी में आगे की ओर तैरती है। द अनपेयर्ड फिन्स हैव देम टू मेंटेन, और अनपेयर्ड जो फिन्स होते मतलब अनपेयर्ड जो उसके पंख होते हैं वो इसे बैलेंस बना रखता है आगे की ओर कैसे बढ़ना किधर जाना है, इसे बैलेंस बना रखते हैं। इसे द टेल फिन हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, और टेल की सहायता से वो पूंछ की सहायता से अपनी क्या करती है, डायरेक्शन को अपने चेंज कर सकती है, किस दिशा में किस उसको स्विमिंग करनी है उसे करती है। इसके बाद एम्फीबियन अभी बताया था कि होता है, एम्फीबियंस में से होता है उभयचर प्राणी जो जमीन पर भी होते हैं और पानी में भी होते हैं। फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस, फ्रॉक्स क्या होते हैं, मेढक क्या होते हैं, एम्फीबियंस, क्योंकि ये फ्रॉक्स क्या होता है, जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। दे हॉप ऑन द ग्राउंड विद देयर पावरफुल हिंड लिम्ब, वे मूव करते हॉप करते हैं जमीन पर अपने हिंड पीछे के पैरों से। दे आल्सो हैव वेब्ड फीट, और उनमें क्या होता है, उनके पैर कैसे होते हैं, जालीदार पैर होते हैं। ए वेब्ड फुट हैज स्किन बिटवीन द टोज विच हेल्प्स देम टू पुश वाटर लाइक ए पैडल, और जो इसके वेब्ड फुट होते हैं, जो जालीदार पैर होते हैं इसकी, इसके टोज के बीच में और वेब्ड फीट में, वेब्ड फुट में जो क्या होता है बीच में क्या होता है अंतर रहता है, उसकी सहायता से वो पानी को पीछे पुश करते हैं। और लाइक ए पैडल, जैसे कि साइकिल में पैडल से मारा जाता है, पैडल से चलती साइकिल आती, उसी तरह से वो पीछे से अपने पीछे से बैक फुट को पुश करते हैं, इससे वो आगे बढ़ पाते हैं। रेप्टाइल्स हैव यू सीन अ, कह रहा हैव यू सीन अ लिजर्ड, सभी लोगों ने छिपकलियां देखी होंगी। लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टाइल्स हैव फोर शॉर्ट लेग्स, इनमें क्या होते हैं, छोटे चार पैर होते हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से वो आगे की ओर बढ़ पाते हैं। दे क्रॉल ऑन दियर बेली, है ना, और वे उनकी उनकी बैली स्किन होती है इसलिए क्रॉल कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं या रेंग सकते हैं। अ टर्टल लिव्स इन वाटर, टर्टल क्या होता है, जो पानी में रहता है वो। दे हैव फोर लिम्स विच एक्ट्स फ्लिपर्स और पैडल टू हेल्प देम, वो पैडल मतलब उसके जो फोर लिम्स होते हैं आगे के जो पैर होते हैं उनकी सहायता से वो आगे की ओर स्विम कर सकता है। स्नेक्स डू नॉट हैव लग, सभी लोग जानते हैं कि स्नेक्स के, सांप के पैर नहीं होते। दे हैव स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी, और उसके शरीर पर क्या होती हैं, धारियां होती हैं, विच एनेबल देम टू, इसी की सहायता से वो आगे की ओर मूव कर सकता है, आगे की ओर बढ़ सकता है। स्नेक हैज मैनी स्केल, और स्नेक के ऊपर कई धारियां होती हैं। एज इट मूव फॉरवर्ड ऑन बैकवर्ड द स्केल पुश अगेंस्ट द ग्राउंड, इसी की सहायता से वो बैकवर्ड द स्केल्स वो पीछे की धारियों को पुश करते हुए जमीन पर क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, रेंगता है। दिस हेल्प्स इज टू ग्रिप द ग्राउंड एंड टू मूव इट्स बॉडी, इसकी सहायता से वो ग्राउंड में ग्रिप करता है, आगे रेंगता है, एंड मूव इट्स बॉडी, और अपने शरीर को भी मूव, उसके शरीर में भी मूवमेंट होता है, उसके शरीर आगे की ओर बढ़ता है। इट कैन मूव ईजली ऑन रफ ग्राउंड, वो आसान, वो रफ ग्राउंड मतलब चिकनी जगह पर वो मूव कर सकता है ईजली, सरलता से, ईजली मूवमेंट मतलब कि हुआ कि सरलता से आगे की ओर बढ़ सकता है, रेंग सकता है। बट फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू क्रॉल ऑन ए स्मूथ सर्फेस, लेकिन चिकनी सतह पर क्या पाओगे कि उसे डिफिकल्टी होगी। स्नेक्स कैन आल्सो स्विम इन वाटर, कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो पानी में भी तैरते हैं। थैंक्स, कल आगे चैप्टर अभी बताएंगे, अभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, आगे और चैप्टर बताएंगे।